Hello, welcome to GATE Academy Plus. So today in the module 4 of induction machine, we are going to discuss about the braking in induction motor. Actually, the term braking we have already discussed in case of the DC machine. When we were discussing about the brakings in DC machine, we discussed about the different kinds of braking like regenerative braking, dynamic braking, rheostatic braking and plugging. We discussed about all those things in case of the DC machine. Same things we are going to discuss in case of the induction machine. But the way of implementation in case of the induction machine will be quite different as compared to the DC machine, because in case of the DC machine it was a DC supply, here it is a AC supply, and this is three phase machine, it was a single phase like machine. ठीक है, तो जब अपन इसके बारे में बात करेंगे तो ब्रेकिंग, तो देखिए ब्रेकिंग का बेसिकली मेन पर्पस क्या है, ब्रेक करना. क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेक करना. ये ब्रेक अलग है और जो ब्रेक आप समझ रहे हैं वो ब्रेक अलग है. ठीक है, तो ब्रेकिंग का मतलब क्या है ना, तोड़ना. तोड़ना मतलब क्या, रोकना एक्चुअली इसको देखा जाए तो. ठीक है, ब्रेक लगाना. गाड़ी में कैसे ब्रेक लगाते हैं आप, जो टू व्हीलर होती है फोर व्हीलर होती है उसको ब्रेक लगा के आप क्या करते हैं, उसकी मोशन को स्टॉप करते हैं, उसकी मोशन को क्या करते हैं आप, स्टॉप करते हैं. सेम चीज़ आप मैकेनिकल जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं आपके पास, उसके भी आप स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल करके स्टॉप करते हैं. मेरे पास यहाँ पे फैन है, एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये कैमरा के सामने नहीं आ पाएगा, ऊपर फैन है. सपोज अगर मैं इस फैन को ऑन किया और जब ये अपने रेटेड स्पीड पे घूमने लग गया, तो उसके बाद मैंने बोला कि भाई उसको भी बंद कर दो. अब जैसे मैंने उसको बोला बंद कर दो, तो उसके तुरंत अराउंड 50, 40 या 35 सेकंड के बाद ये पूरा का पूरा फैन उसकी स्टेडी स्टेट पोजीशन पे आएगा. लेकिन अपन चाहते कि भाई ये इतना समय क्यों ले रहा है, मैकेनिकल चीज़ है भाई, मैकेनिकल सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कि जिसके जरिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. अगर मैकेनिकली अगर आप उसको स्टॉप करना चाहोगे तो भाई उसकी मोशन में आप डायरेक्टली उसको तुरंत रोकने की कोशिश करोगे तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है. उसका खुद का कुछ इनर्शिया है और इतना रिजिड बॉडी है वो कि उसको डायरेक्टली ये रोक देना, मतलब हो सकता है कि अपन को उसको दोनों में से किसी को भी मतलब ईयर एंड टेयर होने के चांसेस है. तो ये मैकेनिकली उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकली पॉसिबल हो सकता है. अगर अपन चाहते हैं कि भाई अपन की जो मोटर है, अगर एक अपन चाहते हैं कि डिजायर्ड टाइम के अंदर में अगर इसका स्पीड कंट्रोल हो, या मैं कह सकता हूँ कि डिजायर्ड टाइम के अंदर इसका ब्रेक लगना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अपन को रादर देन गोइंग फॉर मैकेनिकल ब्रेकिंग, वी विल गो फॉर वॉट, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग. सिंपल बात आप देखिएगा कि जब आप बाइक चला रहे हैं और आप तुरंत अगर तुरंत बहुत जल्दी मतलब कि बहुत सपोज अगर 60-70 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, तुरंत अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो पता है क्या होगा, ये बताने की जरूरत ही नहीं क्या होने वाला. ठीक है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा वहाँ पे. बस आप अप्लाई मत करना, मुझे पता है आप अप्लाई नहीं करोगे, बट स्टिल कि क्या होगा ये अपन को पता है. तो सेम चीज़ अपन मोटर के केस में भी देखने वाले हैं, क्योंकि मोटर भी ऑटोमेटिक है, मतलब ऑब्वियस है कि दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल वन. ठीक है, और ये रोटेट कर रहे हो, अगर आप उसका तुरंत स्पीड अगर जरूर चाहते हो तो भाई मतलब पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्टली शाफ्ट टूट सकता है अगर आप इतना तुरंत इतना हैवी, और इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर स्पीड. ठीक है, तो इसके केस में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करने वाले हैं. क्या करने वाले, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे. देखिए कैसे, क्या ना कि आपके पास एक ये सपोज इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर सपोज इस टाइप से. ठीक है, यहां पे उसका थ्री फेज सप्लाई है, ए बी सी, और ये उसका सपोज रोटर है. मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज उसका सिंक्रोनस स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियसली टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल आल्सो बी व्हाट, इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, एंड मैकेनिकल टॉर्क विल बी इन द व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन. मैकेनिकल टॉर्क विल बी व्हाट, इट विल इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इस टाइप से. ठीक है, अगर ये इस टाइप से है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली देखिए मेरी जो मोटर है, मोटर का क्या है ना, एक्चुअली रोटर है, रोटर किससे, शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो शाफ्ट क्या कर रहा है आपके मोटर का, घूम रहा है. क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब कि मैकेनिकल वहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकली वो रोटेट कर रहा है. अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसके शाफ्ट को अगर इसे एकदम पकड़ के रख लिया, तो मतलब क्या, शाफ्ट को अगर मैं स्टेडी स्टेट पोजीशन पे ला लिया, तो मैंने मेरा जो मकसद होगा कि मैं उसको ब्रेक लगाना चाहता था, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टेडी स्टेट पे आ जाएगी, मतलब क्या, थम जाएगी, वो रुक जाएगी वहाँ पे. लेकिन इतना आसान नहीं कि रोटेटिंग कंडीशन पे उसके मोशन में अगर आप उसके स्पीड को तुरंत जीरो बनाना चाहते तो मुश्किल नहीं है, मतलब सॉरी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है. क्या ना कि देखिए आपकी मोटर इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस डायरेक्शन में क्या करें, आपकी मोटर घूम रही है. सपोज अगर बेटा मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर टॉर्क लगाना शुरू कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं क्या ना उसको टॉर्क लगाना शुरू कर दिया, इस तरीके से कि इसका इस डायरेक्शन में जितना टॉर्क है, सेम टॉर्क अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगाना शुरू कर दिया, मतलब क्या, जिस तरीके से ये इस डायरेक्शन में घूम रही है, उसी डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसको क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब क्या, मैं चाहता हूँ कि मुझे इधर जाना है और इधर की कोई चीज़ है कि मुझे यहाँ इधर जाने से रोक रही है, तो मतलब क्या, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि मतलब दोनों की ताकत अगर ज़्यादा हो जाए,
जाएगी, या मैं कह सकता हूँ कि इसकी ताकत अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब घूम ही नहीं पाएगा इस टाइप में, इस टाइप इस डायरेक्शन में वो रोटेट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अपन इसका ताकत या इसकी मैग्नीट्यूड इतना भी ज़्यादा नहीं रखेंगे इस साइड के फोर्स की, अपोजिंग फोर्स की, कि उसको रोटेट करने नहीं दे। अपन चाहेंगे उस थोड़ा 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 रोटेट करे, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जीरो पे हो जाए, ऐसा अपन चाहेंगे। तो अपन क्या करेंगे अल्टीमेटली, मतलब क्या करते हैं अपन, ब्रेकिंग अप्लाई करना मतलब क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना इज नथिंग बट वॉट अ ब्रेकिंग होता है। सिंपल बात है ना, कि बस आप क्या करते हैं उसकी जो मोशन है उसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मोशन तभी रोके जा सकते हैं जब आप उसके अपोजिशन बढ़ा दोगे, क्या करोगे उसका अपोजिशन बढ़ा दोगे। तो इसके केस में अगर मैं बात करूँ ना, इनके सब तो मोटर इंडक्शन मोटर के केस में बात करूँगा, तो उसमें वही टेक्निक्स है कि जो अपन इसके पहले यूज़ किए थे। ठीक है, मैं इसका बोल दूँ कि दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ब्रेकिंग इन इंडक्शन मोटर जो होगी आपके पास, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। सो मेडिंग डाल दो, ब्रेकिंग इन इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब पहला जो होगा आपके पास, डेट विल बी वॉट, इट विल बी नथिंग बट आप कह सकते हो उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। दूसरा होगा क्या आपके पास, डायनामिक ब्रेकिंग, क्या होगा डायनामिक ब्रेकिंग होगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, प्लगिंग, क्या होगा प्लगिंग होगा इस टाइप से। ठीक है, तो अपन को देखना है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो कि अपन डीसी मशीन में पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं, बस डीसी मशीन के केस में थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। वो किस टाइप से होगा अपन देखेंगे, उसको डायनामिक ब्रेकिंग को भी देखेंगे। उस में थोड़ा डायनामिक ब्रेकिंग या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में अपन क्या करते थे, उसका जो आर्मेचर टर्मिनल्स होते थे आर्मेचर को वहाँ से अपन रिमूव करके उसके अक्रॉस में कोई रेजिस्टेंस लगा देते थे, और अपन क्या करते थे उसके स्पीड को मतलब जीरो करने की कोशिश करते थे। और डायनामिक ब्रेकिंग मतलब क्या, डायनामिक ब्रेकिंग मतलब जो वही मैंने जो बताया। और प्लगिंग में क्या करते थे अपन, प्लगिंग में जो उसके जो आर्मेचर टर्मिनल से उसका पोजीशन क्या करते थे, चेंज करते थे, और EF और VT दोनों को अपन क्या करते थे, एडिटिव पोलैरिटी की तरह करा देते थे। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन आर्मेचर के जो टर्मिनल्स होते थे उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता था। तो ब्रेकिंग इन इंडक्शन मोटर, ब्रेकिंग का मतलब क्या, द मोटर विच इज रनिंग और विच इज इन मोशन टू ब्रिंग दैट मोटर फ्रॉम रनिंग कंडीशन टू द हॉल्ट कंडीशन, या टू ब्रिंग दैट मोटर फ्रॉम रनिंग कंडीशन टू द जीरो स्पीड कंडीशन टू द स्टैंड स्टिल कंडीशन, इट इज नथिंग बट वॉट ब्रेकिंग। ठीक है, तो ब्रेकिंग का अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो लिखिए क्या, ब्रेकिंग मीन्स देखिए, टू ब्रिंग द मोटर, ये आपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं मैं, टू ब्रिंग द मोटर फ्रॉम रनिंग कंडीशन टू फ्रॉम रनिंग कंडीशन टू हॉल्ट कंडीशन, टू वॉट हॉल्ट कंडीशन, और यू कैन कॉल इट इज वॉट जीरो स्पीड कंडीशन, यू कैन कॉल इट इज वॉट, यू कैन कॉल इट इज अ जीरो स्पीड कंडीशन इज नोन एज ब्रेकिंग, इज नोन एज वॉट ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग के अपने पास जो तीन तरीके हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग और प्लगिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, किसके बारे में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होने वाला है, रीजनरेशन मतलब जो मोटर जो है आपके पास, इट इज जो मशीन है, योर मशीन इज ऑपरेटिंग एज अ मोटर, इन केस ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग योर मशीन मस्ट बी ऑपरेटेड एज अ जनरेटर, देन यू कैन ब्रेक द मोटर, हाउ यू विल ब्रेक दैट मोटर वी विल सी अबाउट इट। देखिए, अगर आप चाहते कि आपके मोटर जो है योर मोटर व्हेन, देखिए मोटर के केस में और जनरेटर के केस में डिफरेंस क्या होता है आपके पास, इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मोटर, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर स्लीप इज इन बिटवीन जीरो से लेके वन के बीच में होती है, जो
एन एस और एन आर के बीच में देखा जाए तो एन एस इज ग्रेटर देन वॉट एन आर, ठीक है, ये होता है आपके पास एक्चुअली इन केस ऑफ मोटर, एक्चुअली वॉट इन केस ऑफ मोटर दिस इज द केस, ठीक है, इस टाइप से होता है। वेर एज फॉर जनरेटर स्लिप इज इन बिटवीन दिस वन, ठीक है, एंड एन एस इज लेस देन वॉट एन आर, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जनरेटिंग एक्शन मिलता है, और यहाँ से कौन सा एक्शन मिलता है आपको, यहाँ से मिलता है मोटरिंग एक्शन, ठीक है। अब जनरेटिंग एक्शन के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके मोटर एज अ जनरेटर की तरह बिहेव करे, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए रोटर का स्पीड क्या होना जरूरी है, रोटर का स्पीड बढ़ना जरूरी है। देखिए आपका रोटर का स्पीड किस टाइप से रिलेटेड होता है विद सिंक्रोनस स्पीड, पर उसके बारे में देख लेते हैं। एन आर इज इक्वल्स टू एन एस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वन माइनस एस, ठीक है। देखिए अपन जब भी स्पीड कंट्रोल टेक्निक के बारे में बात करते थे, तो स्पीड कंट्रोल टेक्निक में अपन क्या करते थे, अगर अपन को एन आर को कंट्रोल करना होता था तो अपन एक तो इसको कंट्रोल करते थे, नहीं तो इसको कंट्रोल करते थे। बाय वायरिंग एस और बाय वायरिंग एन एस वी कैन कंट्रोल द व्हाट स्पीड ऑफ द रोटर, लेकिन यहाँ पे अपन रोटर का स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे, अब अपन क्या कर रहे हैं, मतलब रोटर का स्पीड ही, मतलब उसको स्टॉप कंडीशन पे लाना है, लेकिन उसको स्टॉप कंडीशन पे लाने के लिए अपन रोटर को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अपन चेंज कर रहे हैं एन एस को इस तरीके से कि एन एस को चेंज करने के बाद देखिए एन आर में क्या चेंज होने वाला है। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरी जो रोटर है अब क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर जो उसका फुल लोड कंडीशन है, उस फुल लोड कंडीशन पे क्या कर रही है मेरी रोटर, सपोज रोटेट करे। सिंपल अगर मैं बात बोलूँ, सपोज मेरे पास जो पैरामीटर दिए हैं, मेरे पास पोल्स दिए हैं सपोज फोर, और जो फ्रिक्वेंसी दी है एफ वो दी है मेरे पास 50 हर्ट्स, कितने दिए हैं 50 हर्ट्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंक्रोनस स्पीड आएगा डैट इज इक्वल्स टू 120 f/p, इट इज इक्वल्स टू वॉट, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो फोर, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 1500 rpm, ये कितने हो जाएगा आपके पास 1500 rpm स्पीड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और स्लिप अगर मैं बोल दूँ कि सपोज अगर मेरे पास स्लिप 0.04 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगा एन आर डैट विल बी वॉट, डैट विल बी नथिंग बट 1500 मल्टीप्लाई बाई वन माइनस 0.06 इज नथिंग बट वॉट, 0.96 इज नथिंग बट वॉट, 0.96, तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 96, वन फोर फोर जीरो आर पी एम, इस टाइप से आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो रोटर है, सपोज मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ये पैरामीटर्स के विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरी जो मोटर है उसका सिंक्रोनस स्पीड कितना है 1500 rpm है, और उसका जो रोटर का स्पीड है कितना है 1440 rpm है, कितना है 1440 rpm है। अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मोटर है अगर एज अ जनरेटर की तरह ऑपरेट करे, तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, एक तो तुम रोटर का स्पीड बढ़ा दो, नहीं तो क्या करो सिंक्रोनस स्पीड को कम करा दो, दोनों में से किसी एक चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके पास अगर स्लिप नेगेटिव चाहते हो फॉर जनरेटिंग एक्शन, स्लिप इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर अपॉन वॉट एन एस, इस टाइप से चाहते हो, दिस इज रिलेटिव स्पीड अपॉन वॉट सिंक्रोनस स्पीड, तो अपन चाहते हैं कि दिस एस शुड बी नेगेटिव, देन इस इट कैन बी नेगेटिव इफ एन एस इज लेस देन एन आर, नहीं तो क्या कीजिएगा एन आर को बड़ा कर दीजिएगा एन एस है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन दोनों की इसमें अपन क्या करने वाले, अपन के पास तो प्राइम मोर है नहीं, तो प्राइम मोर है नहीं, तो मतलब अपन आर के इस एन आर के इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाले, मतलब क्या एन आर आपके हाथ में नहीं, ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं। अब अपन जो चेंज करेंगे जो स्टेटर पैरामीटर्स है, मतलब क्या एन एस है, एन एस को अपन क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब मैं एन एस को क्या करूंगा, मैं एन एस को एन आर से कम कर दूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं, आई विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एस लेस देन दैट ऑफ द एन आर इन सच वे दैट स्लिप विल बिकम नेगेटिव, इन सच वे व्हाट स्लिप विल बिकम नेगेटिव। सपोज अगर मैंने क्या किया, सपोज अगर मैंने जो नंबर ऑफ पोल्स है, क्योंकि मुझे अगर एन एस को वैरी करना है, इफ आई वॉन्ट टू वैरी एन एस, तो एन एस को वैरी करने के लिए देखिए मेरे पास दो तरीके हैं, क्या 120 f/p है उसका फॉर्मूला है, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए एन एस को वैरी करके भी अपन क्या बोला था, मैंने एन आर को वैरी करने वाले थे जब अपन स्पीड कंट्रोल टेक्निक पढ़े थे स्टेटर साइड पैरामीटर्स को चेंज करके, एक तो तुम क्या कीजिएगा एफ को वैरी कीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा पी को वैरी कीजिएगा, एक तो क्या कीजिएगा पी को वैरी कीजिएगा, दोनों को मत कीजिएगा, किसी एक को वैरी कीजिएगा, बिकॉज बाय वैरिंग एनी वन ऑफ दिस टू यू कैन वेरी सिंक्रोनस स्पीड, एंड यू कैन वेरी इट इन सच वे डेट इट विल रिड्यूस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वैल्यू, जो उसका पहले वैल्यू था उसे क्या करना है आपको कम करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला, सपोज अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स उसका डबल कर दूँ, या सपोज नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास फिलहाल कितने 4 है, तो मैं क्या कर दूँ 6 कर दूँ, 4 की जगह पर सपोज अगर मैं 8 कर दूँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ मैं ऐड कर दूँ उसको, तो ऐड करने की वजह से देखिए क्या हो जाएगा 120, और मैं फ्रीक्वेंसी को कुछ भी चेंज नहीं किया, तो दिस विल बिकम 50 डिवाइडेड बाई व्हाट 8, तो इसके पहले कितना था 1500 rpm था, और मैंने अभी क्या किया उसको हाफ कर दिया, मतलब देखा जाए तो 4
दिस इज नथिंग बट वॉट, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू पी तो चार की जगह पे हार्ट हो गए, ऑब्वियसली तो अभी कितना बन जाएगा, 750 आरपीएम बन जाएगा, कितना 750 आरपीएम। अब 750 आरपीएम अगर सपोज अगर मेरा अभी सिंक्रोनस स्पीड हो गया है, तो मैं अगर मैं स्लिप का वैल्यू देखूँ, तो स्लिप का वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, तो एन एस का वैल्यू कितना अभी 750 आरपीएम, जिस 750 माइनस वॉट 15 माइनस 1440 आरपीएम, 1440 डिवाइडेड बाई वॉट 750 आरपीएम, डिवाइडेड बाई 750 आरपीएम, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 750 मतलब 700 माइनस 710 बन जाएगा, कितना बन जाएगा माइनस 710, आप एक बार फिर से उसको कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, है एक्चुअली, लेकिन ठीक है ना, आप समझ सकते हो सब चीज़ें कि इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्लिप कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, स्लिप कैसे आ रही है बेटा, अभी नेगेटिव आ रहा है, माइनस 71 डिवाइडेड बाय 75, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, बस मुझे ये दिखाना है कि मेरी स्लिप कैसे होगी नेगेटिव, मतलब क्या, अब जो मेरा जो मशीन होगा, मेरा जो मोटर होगा, नाउ माई मोटर विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड, या मैं आई कैन से वॉट, इट विल बिहेव, इट विल वर्क एज अ जनरेटर राइट नाउ, कैसे, क्योंकि आपका जो मोटर का स्पीड है, रोटर का जो स्पीड है, डैट इज ग्रेटर देन वॉट सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप नेगेटिव होगा, आपका जो मोटर होगा डैट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम जनरेटिंग मोटरिंग एक्शन टू द वॉट, जनरेटिंग एक्शन की ओर मेरा मोटर क्या कर जाएगा, अभी शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चले कि भाई ये तो ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सिंक्रोनस स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड तो रिड्यूस हो गया, अब रोटर का स्पीड कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और रोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है ना, कि अब जो रोटर में जो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द इनर्जिया, उसमें जो मतलब रोटेटिंग कंडीशन में जो उसके रोटर में जितना भी एनर्जी स्टोर हुआ होगा, डैट एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम द शाफ्ट, डैट एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम द वॉट शाफ्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि अभी जो रोटर है इट इज एक्टिंग लाइक वॉट, इट इज मतलब इनपुट की तरह एक्ट कर रहे ना, मतलब रोटर को इनपुट दिया जा रहा है, ऐसे ही तो उसका मतलब होगा, क्योंकि जनरेटिंग एक्शन में क्या होता है, तुम रोटर साइड से इनपुट देते हो, स्टेटर साइड से आउटपुट लेते हो, नाउ इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू सेड दैट, और अभी तो आपका जो मतलब अभी तो आपने वैसा प्राइमर वगैरह कुछ लगाया नहीं है, शाफ्ट से आप जो पावर लेके दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तुम ऐसा उसको कह सकते हो, ठीक है, एंड दैट पावर विल बी इलेक्ट्रिकल पावर बिकॉज योर मशीन इज ऑपरेटिंग एज अ जनरेटर राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, समझ में आ रही बेटा बात। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखिए अब इसकी वजह से ये होगा कि भाई आपकी रोटर का स्पीड अभी तो 1440 आरपीएम फिक्स थोड़ी ना होगा, बिकॉज योर रोटर इज गोइंग टू, रोटर स्पीड इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन व्हाट, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सिंक्रोनस स्पीड, कैसे देखिए ना, एनआर इज इक्वल्स टू एनएस इनटू 1 माइनस एस, ऐसा होता है, अब तो स्लिप भी बदल गया, अब स्लिप का वैल्यू आप यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो एनएस भी चेंज हो जाएगा, एनएस तो चेंज हो ही गया है, तो उसके अकॉर्डिंग एनआर भी चेंज होगा, अब क्या करेगा, एनआर विल ट्राई टू कैच द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो स्पीड है ना उस स्पीड को क्या करने की कोशिश करेगा, कैच करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या, अब जो एनआर है आपका 1440 आरपीएम पे क्या करेगा, वहां से वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, अब क्या करेगा, रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और वो क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड के आसपास की जो स्पीड होगी कम, एक्चुअली सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होती है, तभी तो रिलेटिव स्पीड आएगा और तभी तो सब कुछ बातें हो पाएगी इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, तो मतलब क्या 750 आरपीएम के आसपास जो स्पीड होगी, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि 710 720 740 आरपीएम के आसपास से आने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे भी ये 750 आरपीएम तक पहुंच गया और उसके बाद भी अगर आपने कुछ किया नहीं, मतलब क्या, अगर उस मोटर के कह सकता हूँ कि मैं अगर सपोज अगर आपने उस मोटर के सप्लाई टर्मिनल अगर आपने वहाँ से निकाल दिए तो सिंक्रोनस स्पीड भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, सप्लाई टर्मिनल अगर आप वहाँ से निकाल दोगे तो उसके बाद तो रोटर स्पीड भी जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सपोज यहाँ पे अगर रोटर को रोका नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेवन अगर स्टेटर का रोटर का स्पीड 1440 आरपीएम से सपोज अगर 1440 हो गया, उसके बाद 1300 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, मैं उसको अच्छे से लिखता हूँ, 1440 की जगह पे फिर ये 1400 हो गया, फिर बाद में 1300 हो गया, फिर बाद में ऐसे करते करते सपोज अभी ये 750 आरपीएम हो गया, अब क्या हो गया, अब तो एनएस और एनआर दोनों के स्पीड तो सेम हो गए, मतलब कितना 750 आरपीएम, मतलब स्लिप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इस टाइम पे भी अगर आपने रोका नहीं तो आपकी जो रोटर का स्पीड है और भी क्या करते चलेगा, और भी वो कम होते चला जाएगा रोटर का स्पीड, अब 750 से कहाँ पे चला जाएगा, 700 एंड मैं कह सकता हूँ कि 40 पे चला जाए, 730 पे चला जाएगा, और 720 ऐसा कोई एक स्पीड आपके मोटर पकड़ लेगी और उस स्पीड पे क्या करना करेगी, स्टार्ट करना शुरू कर देगी, भाई ये तो मतलब फिर से एक बार मोटर की तरह स्टार्ट करना शुरू कर दिया, अपन को तो क्या करना था, अपन को तो ब्रेक करना था, तो ब्रेक नहीं कर पाए अपन, ब्रेक कब करोगे, ब्रेक तब करेंगे क्योंकि जब उसका स्पीड रिड्यूस होते 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 इसके आसपास आ जाएगा 750 आरपीएम के आसपास तक, तब क्या कीजिएगा, स्टेटर के जो सप्लाई टर्मिनल से उनको रिमूव कर दीजिएगा, मतलब क्या, डिसकनेक्ट द स्टेटर टर्मिनल फ्रॉम द सप्लाई, वंस यू डिसकनेक्टेड द स्टेटर टर्मिनल फ्रॉम द सप्लाई ड्यू टू व्हिच व्हाट विल happen, your synchronous speed will become zero, your synchronous speed will become what, zero, synchronous speed zero होने की वजह से जो rotor speed है उसका जो भी कुछ speed रहेगा that will be only due to inertia,
दैट विल बी व्हाट, ओनली ड्यू टू इनर्शिया. सिर्फ इनर्शिया की वजह से, स्पीड होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो रोटर होगी वो अपने आप क्या कर जाएगी, जीरो पे, मतलब क्या कर जाएगी, आ जाएगी. और आप चाहते कि उसके पहले भी आपके रोटर का स्पीड क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, तो आप मैकेनिकल ब्रेकिंग लगा के उसको पकड़ लीजिएगा. उस टाइम पे आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो वहाँ पे. एंड दिस इज ऑल अबाउट द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन द इंडक्शन मोटर. आई होप शायद आपको समझ में आया होगा, बात समझ में आ गई मैं क्या बोला, ठीक है. तो ये रहा भाई पूरा का पूरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन था. अब मैं बात करूंगा प्लगिंग के केस, प्लगिंग के पहले मैंने डायनामिक ब्रेकिंग लिखा है शायद, ठीक है. तो डायनामिक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग बात करता हूँ, उसके बाद अपन प्लगिंग के लिए जाएंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आप, क्या जो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपके पास, डैट विल बी डायनामिक ब्रेकिंग. डैट विल बी व्हाट, डायनामिक ब्रेकिंग. डायनामिक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं. अब डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होने वाला है, उसमें देखिए अपन क्या करते थे, आर्मेचर टर्मिनल को अपन क्या करते थे, रिमूव कर लेते थे. और आर्मेचर में जो भी कुछ एनर्जी वो स्टोर की होती थी रोटर ने, अपन क्या करते थे, उस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए अपन उसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस कनेक्ट करा देते थे, ठीक है. तो जो मोटर था, मोटर क्या करता था, उसकी एनर्जी को, मतलब मोटर जो था अल्टीमेटली देखा जाए तो वहाँ पे भी जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो इसके पहले एनर्जी ले रहा था, तब क्या करेगा, एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया. सेम यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ऐसा नहीं करेंगे, जो आर्मेचर टर्मिनल्स होते मतलब यहाँ पे जो रोटर टर्मिनल्स होंगे उनको अपन रिमूव वगैरह ऐसा कुछ नहीं करेंगे. यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले, देखिए आपकी मोटर क्या कर रही है अभी, नॉर्मल सेम यही एग्जांपल लेके मैं कंसीडर कर रहा हूँ. सपोज योर मोटर इज रोटेटिंग एट 1440 आरपीएम, योर मोटर इज अ फोर पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आपकी मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. आपकी मोटर क्या कर रही है, यहाँ पे रोटेट कर रही है. इसके पहले मुझे एक छोटा सा डिस्कस करना है, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ. यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ आपको पोल के रिगार्डिंग बात करके मैंने बताया कि एक तो तुम पोल को चेंज करके एनएस को चेंज कर सकते हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया. तो फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात ये पकड़ लीजिएगा कि आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी आप एनएस को चेंज कर सकते हो. अपन तो इसके पहले देखे ना कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके एनएस को कैसे चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ स्पीड कंट्रोल टेक्निक. लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से वेरी कीजिएगा सो डैट वी बाय एफ रेशियो विल बिकम कॉन्स्टेंट. बिकॉज अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, सपोज अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया तो एनएस कम हो जाएगा. लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके पास ई इज इक्वल्स टू 4.4455 मल्टीप्लाई बाय टर्न्स पर फेज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से अगर आपने बाकी पैरामीटर्स पर ध्यान नहीं दिया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एयर गैप फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी डिजायर्ड नहीं है. तो वो याद रखना है आपको कि अगर आप वी बाय एफ रेशियो को अगर कांस्टेंट रखोगे तो ऑब्वियसली आपका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा. और आप जो चाहते हैं कि ड्यू टू डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और एनएस मस्ट डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एनएस योर ब्रेकिंग मस्ट बी एस्टैब्लिश, योर ब्रेकिंग मस्ट बी ऑप्टेन, इट विल बी डिजायरेबल इफ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन द वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट इन केस ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी. बात समझ में आ गई, ये वाला डिस्कशन उसमें इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपन के पास दो तरीके के जिनके जरिए अपन उसको चेंज कर सकते हैं, तो पोल से नहीं तो क्या फ्रीक्वेंसी है. बात समझ में आ गई. अब बात करते हैं डायनामिक ब्रेकिंग की. तो देखिए डायनामिक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग अपन जो डिस्कशन स्टार्ट कर ही दिए थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज स्टार्टिंग पे मेरी जो मोटर है, मतलब जो उसका एक्चुअल जो रनिंग स्पीड है वो कितना है, रनिंग कंडीशन में मेरी मोटर का स्पीड है 1440 आरपीएम. क्या है मेरी मोटर का स्पीड, 1440 आरपीएम, ठीक है. अब मेरे पास डायनामिक ब्रेकिंग है, तो मेरे पास जो स्टेटर है, सपोज स्टेटर को मैंने क्या किया, 3 पे सप्लाई दिया है. स्टेटर को क्या किया, मैंने 3 पे सप्लाई दिया, सपोज दिस इज माय स्टेटर, ठीक है. इस टाइप से मैंने उसको कुछ तो सप्लाई दिया है, तो सपोज दिस इज दी ए फेज है सपोज, तो ये जा जाएगा आपके पास यहाँ पे बी फेज, ठीक है. यहाँ से अगर करंट एंटर करे तो यहाँ से लीव करेगी 180 डिग्री उसके लिए, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सी फेज, क्या आ जाएगा, सी फेज आ जाएगा, ठीक है. अब ये करंट एंटर कर रही है और यहाँ से क्या कर रही है, मतलब एंटर कर रही है और यहाँ से एंटर और यहाँ से लीव, तो देखिए जो फ्लक्स आएगा उसका किस साइड आ जाएगा, फ्लक्स इस साइड आ जाएगा, ठीक है. तो ये बनेगा आपके पास फाइव ए, ठीक है, ये बनेगा फाइव ए. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए करंट इधर इधर से एंटर कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, मतलब इधर आ जाएगा, ये बनेगा मेरे पास क्या, दिस विल बिकम फाइव बी. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो करंट इधर से एंटर कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो मतलब इस साइड आ जाएगा मेरा फ्लक्स. तो इनके फ्लक्सेस और यही से एमएमएफ तुम भी ड्रॉ कर सकते हो. ये क्या करेगा मेरे पास, दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी फाइव सी, ये आ जाएगा एक्चुअली जो नॉर्मल कंडीशन में जब मेरी मोटर रन कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो एमएमएफ्स आ जाएंगे, वो एमएमएफ्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से क्या होंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो एमएमएफ आ जाएंगे, जो फ्लक्सेस आएंगे, दोस फ्लक्सेस विल बी रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इन सच वे, ठीक है. समझ में आ रही बेटा बात, इस टाइप से आएगा. अब मेरी मोटर जब उसके नॉर्मल कंडीशन पे 1440 आरपीएम पर रोटेट कर रही है और अब मुझे उसको ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल रिमूव द स्टेटर टर्मिनल्स.
देखिए स्टेटर की जो सप्लाई उसको मैं रिमूव करूंगा, एंड बाय रिमूविंग दैट स्टेटर सप्लाई नाउ आई विल कनेक्ट द डीसी सप्लाई, आई विल कनेक्ट दॉट डीसी सप्लाई। मैं डीसी सप्लाई देखिए किस तरीके से कनेक्ट करने वाला हूँ, जो मेरे पास जो ए टर्मिनल होगा, जो मेरे पास जो ए फेज होगा, ए फेज विल बी प्रोवाइडेड आई ए डीसी करंट, बी फेज विल बी प्रोवाइडेड माइनस आई ए बाई टू डीसी करंट, एंड सिमिलरली माई सी फेज जो होगा, माई सी फेज विल बी प्रोवाइडेड माइनस आई ए बाई टू, दिस मच अमाउंट ऑफ डीसी करंट विल बी प्रोवाइडेड टू माई फ्लक्सेस। ठीक है, इस टाइप से। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखिए अब अगर मैं इसको फ्लक्स बोल रहा हूँ और वहाँ से अगर सपोज मुझे अगर एमएमएफ की अगर सपोज मैं बात करता हूँ, तो एमएमएफ क्या होता है इसका, इसका एमएमएफ होता है भाई एन टाइम्स ऑफ आई ए, इसका क्या होता है, इसका भी एन टाइम्स ऑफ आई आई सी, इसका क्या होता है एन टाइम्स ऑफ आई बी, इस टाइप से होता। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई सपोज अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मतलब डीसी सप्लाई के करस्पॉन्डिंग मैं बात करूँ, देखिए डीसी सप्लाई देने की वजह से जो डीसी जो होता है उसमें तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब ऑब्वियसली आपका डीसी सप्लाई जो होगा उसकी वजह से जो एमएमएफ आएगा डेट विल नॉट बी द रोटेटिंग एमएमएफ, डेट विल नॉट बी द रोटेटिंग फ्लक्स, तो डीसी फ्लक्स जो आएगा, डीसी एमएमएफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली डेट विल बी द स्टेशनरी वन, डेट विल बी नॉट द स्टेशनरी वन। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एमएमएफ आएगा, जो फ्लक्सेस आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो देखिए इसके ये फाई ए फाई बी फाई सी फाई ए है अपने पास ऐसे, और इनको अगर सपोज मैं डीसी सप्लाई से अगर मैं रिप्लेस कर दूँगा, तो डीसी सप्लाई के केस में देखिए उसका एमएमएफ का नेचर किस टाइप से आने वाला, उसका जो बेसिकली जो एमएमएफ का जो नेचर आएगा वो इस टाइप से आएगा। देखिए फाई ए के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है कैसा होगा आई ए, और उसका जो टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स तो वही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एम एम एफ आएगा डेट विल बी एन टाइम्स ऑफ आई ए, डेट विल वॉट, डेट विल बी एन टाइम्स ऑफ आई ए, इस टाइप से। ठीक है, और ये जो रहेगा एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ उसको उसको अपोजिट सप्लाई दे रहा हूँ, मतलब क्या माइनस आई ए बाई टू में सप्लाई दे रहा हूँ उसको, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली फिर ये जो होगा आपके पास इसका अपोजिट इधर आ जाएगा। सिमिलरली माइनस मैं भी इसको क्या सप्लाई दे रहा हूँ, सी को सी फेस को भी मैं सप्लाई दे रहा हूँ माइनस आई ए बाई टू, तो ये भी आ जाएगा आपके पास इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, सॉरी इस टाइप से, तो इसके जो सप्लाई उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हाफ मतलब ये आ जाएगा आपके पास आई ए बाई टू मल्टीप्लाई बाई वॉट एन, उसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस टाइप से, और इसके जो आ जाएंगे ये क्या हो जाएंगे आपके पास बेसिकली वो अगर देखा जाए तो दिस विल बिकम एन मल्टीप्लाई बाय आई ए बाई टू, नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बट देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, दिस इज 120 डिग्री, तो अगर यहाँ से उसको सेंटर में से अगर उसको इंटरसेक्ट करके जा रही थी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 60 डिग्री, इसके लिए भी ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे 60 और ये क्या बन जाएंगे 60। ठीक है, इस टाइप से अगर देखिए मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखता हूँ और क्या देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट देखते हूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा इसकी वजह से डेट विल इन दिस वे, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डेट विल बॉट इन दिस वे। ठीक है, तो उनकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन को एक्चुअल जो चाहिए वो ये देने वाले हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उसका जो मेन कंपोनेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टोटल एमएमएफ, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास हॉरिजॉन्टल जो आएगा डेट विल बी दिस वन। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल एमएमएफ जो आएगा मैं उसको एम टी, ठीक है, एम टोटल बोल देता हूँ, एम एफ एमएमएफ टोटल, एमएमएफ टोटल देखिए वो क्या आ जाएगा आपके पास, डेट विल बी नथिंग बट एम टाइम्स ऑफ व्हाट आई ए प्लस, इसका मैं क्या लूंगा कॉस्ट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन मुझे उसका प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब क्या एन ए आई एन ए बाई टू का मुझे क्या चाहिए यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो दिस विल बिकम एन मल्टीप्लाई बाई आई ए बाई टू, एन मल्टीप्लाई बाई आई ए बाई टू इंटू वॉट कॉस ऑफ 60 प्लस। सिमिलरली मैं इसका भी यही चाहता हूँ कि उसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, तो देखिए भाई इसका इस टाइप से आ गया। सिमिलरली इसका भी जो प्रोजेक्शन आ जाएगा विद दिस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास एन मल्टीप्लाई बाई आई ए अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई वॉट कॉस ऑफ 60। इन तीनों को अगर ऐड करोगे, देखिए एन ए बाई टू मल्टीप्लाई बाय कॉस 1 बाई टू इज नथिंग बट व्हाट 1 बाई टू, कॉस 60 इज नथिंग बट 1 बाई टू, तो ये बन जाएगा एन ए बाई फोर, ये भी बन जाएगा एन ए बाई फोर, दोनों को ऐड कर देंगे तो एन ए बाई टू आ जाएगा, एन ए बाई टू प्लस एन ए दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 बाई टू टाइम्स ऑफ व्हाट एन ए, 3 बाई टू इज नथिंग बट व्हाट 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट एन टाइम्स ऑफ आई ए। बट अगर आप थोड़ा पीछे जाके अगर देखते हो, तो मैं इंडक्शन मशीन का जब आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि तो उसका जो एक्चुअल जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें जो एक्चुअल जो उसका जो रोटेटिंग एमएमएफ होता है उसका जो अगर मैं एक्चुअल वैल्यू अगर मैं बताऊँ, उसका रिजल्टेंट जो वैल्यू होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट 1.5 टाइम्स ऑफ एन ए, तो इसका मतलब क्या अभी भी उसका जो एक्चुअल जो टोटल एमएमएफ है उसका वैल्यू क्या है, कंजर्वड है, उसका वैल्यू क्या है, वही वैल्यू है कि जिसके पहले वैल्यू था, यहाँ पे भी क्या है वही वैल्यू है। अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि देखिए कि मैं तो उसमें डायनामिक ब्रेकिंग तो अप्लाई कर ही दिया हूँ, अब इसकी वजह से होगा क्या, सिंपल बात देखिए क्या होगा, अब
मैंने डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया, डीसी सप्लाई कनेक्ट करने की वजह से जो मेरे पास जो फ्लक्सेस थे जो एमएमएफ थे वो कैसे आ जाएंगे, डीसी आ जाएंगे, स्टेशनरी एमएमएफ आ जाएंगे। अब स्टेशनरी एमएमएफ आ जाएंगे, मैंने तो उसको मतलब सप्लाई चेंज कर दिया, मतलब एसी से डीसी लगा दिया। अब मेरी रोटर की रोटर तो अभी उसका जो 1440 आरपीएम है उसके ऊपर क्या कर रही है, अभी रोटर क्या कर रही है, घूम रही है, इसके ऊपर क्या कर रही है, रोटर घूम रही है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या, इसका स्पीड तो मतलब बहुत ही कम होगी, इसका स्पीड देखा जाए तो जीरो स्पीड है, ठीक है। इसका जो स्पीड है मतलब कि जो जो इसका जो एक्चुअल स्पीड है मतलब स्टेशनरी फ्लक्स मतलब क्या जीरो स्पीड है, उसका स्पीड और इसके स्पीड दोनों के बीच में देखा जाए तो जीरो माइनस 1440 आरपीएम, तो ऑब्वियसली कि स्लिप कैसे हो रही है, नेगेटिव हो रही है, स्लिप कैसे हो रही है, नेगेटिव हो रही है, स्लिप नेगेटिव हो जा रही है, इसका मतलब होगा क्या, अब रोटर का स्पीड ज्यादा है और स्टेटर का कैसे कम है। लेकिन अभी क्या करेगी स्टेटर, रोटर क्या करेगी, देखिए रोटर मतलब ये तो स्टेशनरी फ्लक्स है, मतलब क्या देखिए रोटर का जो जो स्टेटर का जो फ्लक्स है, स्टेटर का फ्लक्स कैसा है, स्टेशनरी, रोटर कैसे घूम रही है, फ्लक्स है और इसके रोटर क्या कर रही है, घूम रही है, मतलब क्या रोटर के कंडक्टर घूम रहे और फ्लक्स है और रोटेटिंग कंडक्टर, इसका मतलब क्या, अब इसमें रोटर में क्या करेगा, रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अब रोटर में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अभी ईएमएफ क्या करेगा, उसके कॉस को अपोज करेगा, अब ये ईएमएफ क्या करेगा, उसके कॉस को अपोज करेगा, इसका कॉस क्या है भाई, रिलेटिव स्पीड है, इसका कॉस क्या है, रिलेटिव स्पीड है। अब इसके रिलेटिव स्पीड को क्या करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, और उसको अपोजिशन करने के लिए क्या होगा, एक तो तुम रोटर को क्या खींचेगा, रोटर का जो उसका रिलेटिव स्पीड जितना है उसके स्पीड तक तुम उसको लेके आएगा, नहीं तो उसका मतलब क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अभी क्या होगा, जीरो होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड। अब आपके रोटर क्या करेगी, उसके स्पीड को क्या करने की कोशिश करेगी, कैच करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जब मैं आपको इसके पहले जब रोटर फेड इंडक्शन मोटर के बारे में जब कुछ समझाया था उस टाइम पे मैं सब चीज़ आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अब क्या करेगी रोटर, क्या करेगी रोटर, उसके स्पीड को क्या करने की कोशिश करेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को क्या करने की कोशिश करेगी, कैच करने की कोशिश करेगी। उसका स्पीड तो जीरो है, तो रोटर का स्पीड क्या करेगा, धीरे धीरे उसके स्पीड तक आने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली आपका रोटर क्या हो जाएगा, उसका स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आ जाएगा या जीरो स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको तो लेंस लॉ तो अल्टीमेटली फॉलो करना ही पड़ेगा बेटा, अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं करेगा तो ये मशीन मतलब मशीन थोड़ी ना कहलाएगी, ठीक है। सब कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे अगर चल रहा है तो मतलब ऑब्वियस उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, जीरो मतलब कम होना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल कॉज इट्स विल कॉज इट विल अपोज इट्स कॉज, और इसका कॉज क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो मतलब जो एक्चुअल जो रिलेटिव स्पीड है एनएस और एनआर इन दोनों के बीच का, डेट स्पीड को क्या करेगा, वो कॉज करेगा ये करने के लिए, एक तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, नहीं तो क्या करेगा, खुद क्या करेगा, उसके बराबर आने की कोशिश करेगा, उसके बराबर आके क्या कर जाएगा, वो सेटिस्फाई कर जाएगा लेंस लॉ को, ठीक है। अब क्या करेगी रोटर, खुद ही क्या करेगी, उसका स्पीड कम करके 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 उस जीरो वाली पोजिशन तक आ जाएगी, और आपका जो रोटर होगा ये रोटर विल कम टू द व्हाट, हॉल्ट कंडीशन, इट विल कम टू द व्हाट, जीरो स्पीड कंडीशन, आई विल से दैट माई ब्रेकिंग इज सक्सेसफुली अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर केस। समझ में आ गई बेटा बात, इतना समझ में आएगा। ये रहा आपके पास डायनामिक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अपन किसके रिगार्डिंग, अपन अभी बात करते हैं रीजनरेटिव हो गया, डायनामिक ब्रेकिंग हो गया, अब मैं बात करूंगा प्लगिंग के बारे में, किसके रिगार्डिंग, प्लगिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं। प्लगिंग का मतलब क्या होता है, देखिए प्लगिंग के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि प्लगिंग इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और इसमें अगर मैं बात करूँ डायनामिक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग, तो देखिए डायनामिक ब्रेकिंग में एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो स्लिप आता है ना डायनामिक ब्रेकिंग में, स्लिप देखिए कितना आता है डायनेमिक ब्रेकिंग में, दिस इज एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये बन जाएगा कितना, दिस विल बिकम जीरो माइनस एन आर बाई एन एस, जीरो माइनस व्हाट एन आर बाई एन एस, तो स्लिप जो होगा आपके पास दिस विल बिकम माइनस एन ए एन आर अपॉन एन एस, स्लिप का जो वैल्यू हो जाएगा आपके पास दिस इज नथिंग बट व्हाट एन आर बाई माइनस एन आर बाई एन एस, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट स्लिप, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि कहना हो अगर उसने पूछा क्वेश्चन के डायनेमिक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए उसका स्लिप जो होगा नेगेटिव, स्लिप नेगेटिव इसके लिए होगा क्योंकि स्टेटर का जो फ्लक्स था ना, स्टेटर का फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होगा, स्टेटर का जो रोटिंग स्टेटर का जो फील्ड था उसका फील्ड का फ्रिक्वेंसी जीरो होने की वजह से क्या होगा, उसका स्पीड भी जीरो होगा, उसका स्पीड जीरो होगा, तो भाई मतलब जो आपकी ये तो मतलब जनरेटिंग कंडीशन की तरह आ जाएगा, ये तो जनरेटिंग कंडीशन की तरह आ गया कि नहीं, स्लिप नेगेटिव होगा, ठीक है, बस इस तरीके से समझना है उसको। अब बात करता हूँ मैं प्लगिंग की तरह, हाँ प्लगिंग के बारे में। अब प्लगिंग देखिए, प्लगिंग क्या होता है बेसिकली, प्लगिंग में क्या होता है ना, सिंपल थोड़ा अलग होता है डीसी मशीन में जैसा होता है उसके रिगार्डिंग, उसके कंपैरिजन में, क्योंकि डीसी मशीन में अपन क्या करते थे, उसके जो आर्मेचर के जो टर्मिनल्स होते थे उनकी पोलैरिटी क्या करते थे, चेंज कर देते, रिवर्स कर देते थे। यहाँ पे आर्मेचर की नहीं करेंगे, यहाँ पे ना अपन स्टेटर सप्लाई जो होगा, स्टेटर के जो टर्मिनल्स है उनकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेटर के जो टर्मिनल्स है उनकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं उसके बारे में। देखिए भाई बात कर रहे हैं प्लगिंग के बारे में, थर्ड केस, प्लगिंग का बेसिकली मतलब क्या है, टू प्लग, ठीक है। प्लग का मतलब क्या होता है आपको बताइए, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई है अपने तो, ठीक है। तो देखिए जब मैंने जैसे बोला दो तीन बार के डीसी मशीन में जैसा होता है, इसमें क्या होगा, इसमें स्टेटर के टर्मिनल्स क्या होंगे अपन को, उसका उसका पोलैरिटी रिवर्स करने वाले। देखिए जैसे कि आपके पास ये वाला स्टेटर है, ये वाला रो,
ये है, ठीक है, स्टेटर है इस टाइप से, सपोज लग भी ना रहा है कि स्टेटर है ऐसा, ठीक है, ये नॉर्मल केस में कि जब आपका सपोज सीक्वेंस है ए बी सी, ठीक है, इस टाइप से। अब मैंने क्या बोला, दिस इज द नॉर्मल ऑपरेशन, दिस इज व्हाट नॉर्मल ऑपरेशन, और आपकी मोटर क्या है ना सेम वही जो वहां पे कंसिडर किया था मैंने, एन आर इज इक्वल टू 1440 आरपीएम पे आपकी मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, आपकी मोटर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, समझ में आ रही बेटा बात। अब एन आर इज इक्वल टू 1440 आरपीएम हो गए हैं, मतलब कि उसका फुल लोड कंडीशन जो भी कंडीशन होगा उस कंडीशन पे आपकी मोटर क्या कर रही है, रन कर रही है, और आपका भी ये मकसद है कि आपकी इस रोटर की जो स्पीड है उसको क्या करना है, जीरो पे लेके आना, मतलब क्या ब्रेक लगाना है आपको, इलेक्ट्रिकल ब्रेक लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन भाई इसके जो स्टेटर टर्मिनल्स है ना उसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे, पोलैरिटी चेंज करना मतलब उसका सीक्वेंस एक्सचेंज कर देंगे बेसिकली, ऐसा मेरा कहने का मतलब, नॉट अ पोलैरिटी अल्टीमेटली भाई उसका मतलब होगा, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस क्या करेंगे अपन, चेंज करेंगे, देखिए सीक्वेंस किस टाइप से चेंज करेंगे। अब होगा क्या, ए बी सी कनेक्टेड था तो देखिए अभी होगा क्या, बी सी ए उसका सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी ए, बी सी ए इस टाइप से क्या हो जाएगा, उसका सीक्वेंस हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द प्लगिंग केस या प्लगिंग ऑपरेशन, प्लगिंग कंडीशन में उसका बोला। अब इस केस में होगा क्या, अब देखिए ठीक है, ये उसका रोटर है, ये उसका सपोज, ठीक है कि दिस इज एन एस, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दिस इज मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें जो लगेंगे इसके बारे में थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा अपन को, कैसे देखिए बेटा नॉर्मल केस के लिए जो अपन इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन करते हैं, जो अपन ड्रॉ करते हैं, वो देखिए किस टाइप से होता है नॉर्मल केस के लिए, इस टाइप से होता है, दिस इज व्हाट स्पीड, ठीक है, ये होगा आपके पास क्या टॉर्क, ये क्या होगा आपके पास टॉर्क, ये क्या होगा आपके पास स्पीड, इस टाइप से होगा, ठीक है। इसके अगर मैं देखिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो देखिए इस टाइप से होता है, इस टाइप से आते हैं आपके पास टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं, मोटरिंग केस के लिए होते हैं, किसके लिए, मोटरिंग ऑपरेशन के लिए होते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने उसका है ना, मैं ठीक है इसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चाहे तो थोड़ी थोड़ी जो बातें जरूरी है यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है, और थोड़ा टिल्ट हो गया, और ये नॉर्मल है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लोड टॉर्क है, सपोज अगर मैं बात करूँ कि सपोज अगर मेरा लोड टॉर्क इस टाइप से है, तो यहाँ पे क्या होगा उसका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा आपके पास उसका ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, इस टाइप से है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दिस इज नथिंग बट व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द लोड टॉर्क, ये क्या होगा लोड टॉर्क होगा, ये क्या करेंगे दोनों टॉर्क जब इक्वल हो जाएंगे तो आपकी मोटर जो कि स्टेडी स्टेट स्पीड पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये सब अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं, ये सब क्या ना अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब होगा क्या, जैसे भी मैंने उसका स्टेटर का जो सप्लाई टर्मिनल्स उसका सिक्वेंस अगर चेंज कर दिया, तो सप्लाई सिक्वेंस चेंज करने की वजह से क्या होगा, जो आपके पास जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि क्या एन एस डायरेक्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी, अब इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अब इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये जो होगा दिस विल बी एन एस, दिस विल बी, तो इसका अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो एन एस का अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होगा उसका भी डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो इसका जो नेचर होगा आपके पास एक्चुअली ये वाला जो टॉर्क होगा ना, ये वाला टॉर्क देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये इस टाइप से नीचे इसमें आ जाएगा, तो देखिए किस टाइप से आ जाएगा एक्चुअली, तो ये जो होगा आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा, स्पीड कैसे होगी आपके पास, नेगेटिव एन एस होगी, कैसे होगी, नेगेटिव एन एस होगी, और ये आपका पास स्टार्ट करेगा निगेटिव एनएस में, इधर या निगेटिव स्पीड दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप से। और ये जो होगा आपके पास सपोज अगर मैं बोल दूँ कि ऐसा कुछ, सपोज अगर ये ऐसा कुछ बोल दूँ एनएस, तो ये आ जाएगा आपके पास इस टाइप से, ऐसा कुछ उसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके लिए होगा आपके पास, दिस इज अंडर द प्लगिंग कंडीशन, दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर द प्लगिंग कंडीशन, इस टाइप से आने वाला। अब देखिए इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझने आनी चाहिए यहाँ पे, बट अब इसमें देखिए दो अलग अलग चीज़ें समझ में आ रही है। एक क्या कि जब आपने उसका डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट होगा ना अल्टीमेटली अगर देखा जाए, क्योंकि आपने उसका सिक्वेंस चेंज करने की वजह से क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके पहले जो क्लॉकवाइज था वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या होगा,
ये एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से, देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी पिक्चर में आ रही है, एंटी क्लॉक होने की वजह से क्या हो गया, इसके पहले जो आपका जो ऑपरेशन था, देखिए ऑपरेशन कैसा था आपके पास यहाँ पे, ये नॉर्मल कंडीशन में जैसा होता है इस टाइप से ऑपरेशन था। अभी ऑपरेशन देखिए किस टाइप, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ऑपरेशन किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ऑपरेशन किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जो लोड टॉर्क है, देखिए आपके पास अभी जो टॉर्क आ रहा है, कौन कौन सा टॉर्क आ रहा है देख सकते हो, आपकी जो टॉर्क है बेसिकली देखी जाए तो देखिए ये वाले दो टॉर्क आ रहे हैं इसमें, ये वाला टॉर्क आ रहा है भाई इसमें, तो दिस इज नथिंग बट दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज प्लगिंग टॉर्क। क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्लगिंग टॉर्क, दिस इज द एक्स्ट्रा टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द मशीन इन ऑर्डर टू स्टॉप इट, इन ऑर्डर टू व्हाट स्टॉप इट। तो भाई इसमें तो मतलब जो देखने के लिए मिल रहा है यह, ठीक है दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इस टाइप से। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक बात पता चल रही कि मेरी जो मोटर है ना, अभी मोटर दो अलग अलग तरीके से ऑपरेट करने वाली है। देखिए इसमें मतलब दो अलग अलग टॉर्क लगेंगे, ये वाला टॉर्क जो होगा दिस विल बी अनदर टॉर्क, और ये वाला जो टॉर्क होगा मतलब वही जो नॉर्मल टॉर्क इसके ऊपर लग रहा था सेम टॉर्क क्या कर रहा है अभी इसके ऊपर भी लग रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद दिस एक्स्ट्रा टॉर्क इज एक्टिंग ऑन माई मोटर विच इज वॉट प्लगिंग टॉर्क, विच इज वॉट प्लगिंग टॉर्क। तो देखिए इसमें अगर मैं इसके अगर स्लिप के बारे में अगर बात करूँ, इसके रिगार्डिंग थोड़ी अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें अपन को निकल के आ सकती है यहाँ से। देखिए किस टाइप से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वहाँ पर जगह नहीं ज़्यादा, तो देखिए अगर मैं इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो किस टाइप से बात आएगी, नॉर्मल केस में जब भी अपन बात करते हैं कि माय मोटर शुड ऑपरेट एट व्हाट, हाँ नॉर्मल मतलब स्टेडी स्टेट स्पीड पे अगर मेरी मोटर ऑपरेट करनी चाहिए, तो उसके लिए जो एक्चुअल जो उसका जो स्विंग इक्वेशन होता है कि जिसको सेटिस्फाई करना होता है फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, दैट इज डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर जे स्क्वायर थीटा अपन व्हाट, डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क, मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस वॉट मैकेनिकल टॉर्क, ये मोटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए, मोटर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है इस टाइप से। और अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस एट स्टेडी स्टेट, एट व्हाट स्टेडी स्टेट क्या होता है बेटा, एट स्टेडी स्टेट टी ई इज इक्वल्स टू वॉट टी एम इस टाइप से होता है, टी ई इज इक्वल्स टू वॉट टी एम इस टाइप से होता है। अब हो जाएगा क्या, जैसे भी मैंने इसके स्टेटर टर्मिनल्स चेंज कर दिए, उसका सिक्वेंस चेंज कर दिया, तो स्टेटर टर्मिनल के सिक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ई होगा अब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब मेरा ई अगर सपोज निगेटिव हो जाएगा तो दिस विल बिकम वॉट माइनस टी ई माइनस वॉट टी एम, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट एन सॉरी टी ई प्लस टी एम, दिस इज नथिंग बट वॉट टी ई प्लस वॉट टी एम, ये तो इस टाइप से बन जाएगा भाई, बिल्कुल सही है। मतलब ये आपके पास ये क्या बन जाएगा, अभी तो देख सकते हो कि आपके मतलब ये तो मैं कह सकता हूँ क्या, दिस इज नॉट इन द स्टेडी स्टेट, दिस इज नॉट इन द स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट में नहीं है, अभी दोनों के टॉर्क कैसे हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए दो अलग अलग टॉर्क आ गए ना, कि मतलब दोनों एक्चुअली ये मोटर टॉर्क है, मतलब कि मैकेनिकल टॉर्क है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि मतलब सॉरी दोनों का डायरेक्शन अभी सेम डायरेक्शन में आ गए, ठीक है ना। आप देख सकते हो इधर देखिए, इसमें देखिए मैकेनिकल टॉर्क का डायरेक्शन कैसा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी इसमें भी कैसा है, दोनों तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए थोड़ा कुछ समय लगेगा, और भी समय कब लगेगा, क्या लगेगा, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ना उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि उसका स्लिप कैसे होने वाला है। देखिए स्लिप का वैल्यू क्या होता है, स्लिप इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, इस टाइप से होता है, दिस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन एस इन टू वॉट इंटू वन माइनस ई एस, इस टाइप से होता है डिवाइडेड बाई वॉट एन एस, डिवाइडेड बाई वॉट एन एस, इस टाइप से होता है, ठीक है। ये कब के लिए, नॉर्मल केस के लिए, कब के लिए बेटा, नॉर्मल केस के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल केस के लिए। अब जब मैंने उसको प्लगिंग कंडीशन, और मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने स्टेटर के सप्लाई टर्मिनल्स अगर मैंने चेंज कर दिए, तो स्टेटर के सप्लाई चेंज टर्मिनल चेंज करने की वजह से एन एस का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, एन एस का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। नाउ ड्यूरिंग प्लगिंग, ड्यूरिंग प्लगिंग ड्यू टू चेंज इन फेज सिक्वेंस एन एस, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन फेज सिक्वेंस, ड्यू टू चेंज इन फेज सिक्वेंस चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास एन एस विल चेंज टू वॉट माइनस एन एस, विल चेंज टू वॉट माइनस एन एस, हैंस स्लिप विल बिकम माइनस एन एस, ठीक है, दिस विल बिकम माइनस एन एस, दिस विल बिकम माइनस एन एस वन माइनस एस डिवाइडेड बाई वॉट एन एस, दिस विल बिकम वॉट माइनस वन, इस टाइप से बनेगा। अगर मैं सपोज अगर वहाँ से माइनस वन को अगर कॉमन ले लूँ, तो दिस विल बिकम एन एस, एन एस प्लस वॉट एन एस इंटू वन माइनस एस डिवाइडेड बाई वॉट एन एस, तो अगर सपोज मैं एन एस कॉमन ले लूँ, तो दिस विल बिकम वन प्लस वन माइनस एस, तो ये बन जाएगा मेरे पास टू माइनस एस, दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट दिस स्लिप, दिस इज नथिंग बट वॉट
स्लिप। अब ये स्लिप जो आएगा किसकी वजह से आएगा आपके पास, दिस स्लिप विल कम इनटू द पिक्चर ड्यू टू दॉट निगेटिव जो होगा ना आपके पास निगेटिव एस जो होगा ना उसकी वजह से, और स्लिप के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा डेट विल बॉट प्लगिंग टॉर्क आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा टू माइनस एस डेट विल बॉट प्लगिंग टॉर्क, क्योंकि इसमें एक एक्चुअल टॉर्क आ रहा है, एक टॉर्क देखिए एक्चुअली आ रहा है, जो एक्चुअल जो टॉर्क आ रहा है मतलब ये देखिए ये तो नॉर्मल कंडीशन की जहाँ पे आपकी मोटर रन करेगी, ये देखिए आप देख सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कोई तो टॉर्क आने वाला होगा और यहाँ पे जो टॉर्क होगा डेट विल विद अनदर टॉर्क, दो टॉर्क आ रहा है एक्चुअली आपके पास मशीन में, तो ठीक है। तो जो ये जो दो टॉर्क आ रहे हैं एक्चुअली, तो ये दो टॉर्क कौन कौन से होंगे एक्चुअली, सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग आप बात कीजिएगा, ये जो लोड टॉर्क है दिस इज द लोड टॉर्क एंड दिस इज वॉट प्लग इन टॉर्क है, तो ये वाला जो टॉर्क होगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसमें प्लग इन टॉर्क आ रहा है और ये दूसरा कौन सा आ रहा है लोड टॉर्क आ रहा है, मतलब दो टोटल टॉर्क उसमें लग रही है, दो क्या कर रहे हैं उसमें टोटल टॉर्क लग रहे हैं। अब दो टोटल टॉर्क अगर उसमें लग रहे हैं तो उसकी वजह से देखिए आप मशीन को ब्रेक किस टाइप से करने वाले हो, जैसे भी मैंने क्या किया, जैसे मैंने उसका स्टेटर का जो सप्लाई टर्मिनल्स थे उसको मैंने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा आपका जो मोटर था इसके पहले जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसका जिस डायरेक्शन में घूम रहा था अब उसका क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन का जो स्पीड होगा वो एक टाइम तक थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन उसके बाद क्या करेगा थोड़ा धीरे 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 कम होते होते वो आ जाएगा, अगर कम होते होते जिस पॉइंट पे वो आएगा प्लगिंग के जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा अब तो अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये क्या करेगा अब ये जो मैकेनिकल टॉर्क है मतलब मैकेनिकल जो टॉर्क है अब क्या करेगा उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को क्या करेगा कैच करने की कोशिश करेगा, जिस इंस्टेंट पे इन दोनों का वैल्यू जीरो सेम हो जाएगा उस इंस्टेंट पे आपको क्या करना पड़ेगा सप्लाई टर्मिनल्स को क्या करना पड़ेगा रिमूव कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रिमूव कर देना पड़ेगा, अगर आपने सप्लाई टर्मिनल्स को रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा एनएस जीरो हो जाएगा, एनएस जीरो होने के बाद एनआर क्या करेगा एनआर सिर्फ इनर्शिया की वजह से जितना स्पीड उसमें बचेगा उस स्पीड के रिगार्डिंग क्या करेगा वो आगे थोड़ा कुछ जाएगा, अगर आपने वहां पे भी अगर उसको अगर मतलब मैकेनिकली अगर या मैं कह सकता हूं कि मैन्युअली अगर आपने उसको वहां पे बंद कर दिया रोक लिया तो भी रोका जाएगा, लेकिन अगर आपने रोका नहीं तो बस उसका जो इनर्शिया की वजह से जितना स्पीड होगा उस स्पीड की वजह से क्या करेगा वो थोड़ा आगे परफॉर्म करेगा उसके बाद वो भी अपने आप क्या हो जाएगा मतलब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट प्लगिंग प्लगिंग, तो इस प्लगिंग में इस मोटर के ऊपर जो दो टॉर्क लग रहे हैं देखिए वो दो टॉर्क कौन कौन से बेसिकली दिस इज व्हाट वन इज द लोड टॉर्क एंड अनदर वन इज व्हाट इट इज अ प्लगिंग टॉर्क अनदर वन इज व्हाट प्लगिंग टॉर्क, देखिए तो लोड टॉर्क के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ आपके पास ये आने वाला होगा टॉर्क, लोड टॉर्क क्या होगा आपके पास टी एल इज इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट थ्री टाइम्स ऑफ आई टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर टू अपॉन एस डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस दिस इज बट वॉट दिस इज नथिंग बट वॉट लोड टॉर्क दिस इज नथिंग बट वॉट लोड टॉर्क, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूँ कौन से प्लगिंग टॉर्क के बारे में टी प्लगिंग, ठीक है यहाँ पे डबल जी आएगा, ठीक है टी प्लग लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ आई टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट आर टू ए आर टू डैश रेफर्ड पैरामीटर होंगे दिस विल बिकम वॉट टू माइनस एस डिवाइडेड बाय वॉट ओमेगा एस डिवाइडेड बाय वॉट ओमेगा एस दिस इज प्लगिंग टॉर्क दिस इज वॉट लोड टॉर्क और इन दोनों को ऐड करके मुझे जो मिलेगा डेट विल बी ब्रेकिंग टॉर्क विच विल बी लोड टॉर्क प्लस वॉट प्लगिंग टॉर्क विच विल बी वॉट लोड टॉर्क प्लस वॉट प्लगिंग टॉर्क दिस टोटल टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग माई मोटर इन केस ऑफ द वॉट प्लगिंग इन केस ऑफ द वॉट प्लगिंग सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लगिंग और प्लगिंग के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसके न्यूमेरिकल जब पूछे जाएंगे तो अपन को पूछेगा कि उसका प्लगिंग टॉर्क कितना है उसका लोड टॉर्क कितना है उन दोनों को मिला के पूछेगा कि टोटल ब्रेकिंग टॉर्क बताओ, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं अपने एग्जाम्स में भी आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वाला अगर मैं बात करूँ तो आप जब पावर सिस्टम सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स करके जो सब्जेक्ट होता है ड्राइव्स वाला उसमें जब पढ़ते हैं तो सेम चीज़ वहाँ पे आप उसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो मैं अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो के बारे में बात करें वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को यूज करके आप उसके सप्लाई को चेंज करते हैं और उसको चेंज करके आप देखना उसके टॉर्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं उसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका इवन ब्रेकिंग तक ऑप्टेन कर सकते हैं उसमें इन केस ऑफ द ड्राइव्स जब पढ़ोगे तुम तो उस टाइम पे, ठीक है। तो उसमें वो डेफिनेटली अपन को पूछेगा कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ब्रेकिंग टॉर्क तो अपन को पूछेगा कि ब्रेकिंग टॉर्क अगर आप उसने यहाँ से अपन उसको फाइंड कर ही सकते हो उसमें ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के बारे में पूछ सकता है किसके ब्रेकिंग रेजिस्टेंस इसका मतलब कि ये जो आर टू डैश ना उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर देगा किसमें इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर देगा तो उसको मैं बोल देता हूँ नाम ब्रेकिंग तो पूछेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आने वाला उसका टॉर्क के हो सकता है क्या वो अपन को ऐसा भी पूछ सकता है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ब्रेकिंग करंट ऐसा भी पूछ सकता है ब्रेकिंग टॉर्क पूछ सकता है तो उसके लिए पूछेगा कि अगर मुझे ब्रेकिंग करंट को उसके फुल लोड करंट का इतना कम करना है तो उसके लिए ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू पता बताइएगा ऐसा भी पूछ सकता है। बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट या बहुत अलग अलग क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड फ्रेम हो सकते हैं अपन को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में देखना है कि उसका फॉर्मूला किस टाइप से डिजाइन हो रहा है उसमें क्या और किस टाइप से चीज़ें आ रही है बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। बेटा जब मैं इसमें समझा रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोड टॉर्क प्लस प्लगिंग टॉर्क दिस एंटायर टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ब्रेकिंग ऑफ द मशीन एंड फॉर व्हाट ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। आई होप कि शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और डेफिनेटली आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मैं तो देखिए मतलब इतना सब मतलब एनर्जी के साथ बात करता हूँ आज मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ थोड़ी एनर्जी कम होगी लेकिन डेफिनेटली मैं तो उसको एंजॉय करता हूँ क्योंकि पढ़ाता हूँ तब, ठीक है। थैंक यू सो मच।